तो वेल, काफी दिनों बाद आज एक बड़ी ऐसी रोम जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे प्यारे यूजर्स के लिए, जो है Asus Max Pro Zenfone 2 यूजर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक बड़ी ऐसी रोम का, जिसका नाम है, जो आप टाइटल में पढ़ भी चुके हो, Resurrection Remix Room। तो Resurrection Remix Room जो काफी अच्छी रोम है, बट जो है इन्होंने रिसेंटली जो है पीछे अपडेट बंद कर दिए थे, बट अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है जो मैंने 3-4 दिनों से यूज किया। मैं देखना चाहता था कि इतने दिनों बाद जो अपडेट दिया उसमें क्या कुछ खास है, क्या इसमें कुछ बग्स एंड इश्यूज है, बट आफ्टर ऑल 3-4 डेज यूज करने के बाद मुझे ऐसा कोई बिग इशू इसमें नजर नहीं आया जिसकी वजह से हम इसे यूज ना कर सके। तो फाइनली आज हम इस रोम का रिव्यू करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। तो देखिए दोस्तों, एज ऑलवेज हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में चलते हैं, और यहाँ अबाउट फोन, तो इसकी सेटिंग भी आपको जो कुछ अलग तरह से देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अदर रोम, जैसे कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम होती है या फिर होवा कवास रोम होती है। तो बेसिकली क्या था कि होवा कवास रोम आने से पहले Resurrection Remix जो टॉप पर थी एज पर जो कस्टमाइजेशन, तो कस्टमाइजेशन को लेकर हम इसको आगे बात करेंगे, बट चलिए फिलहाल हम इसी बात करते हैं। तो यहाँ पर है एंड्रॉयड वर्जन 10, तो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हो Resurrection Remix 8.6, तो ये कुछ इस तरह का जो हमें देखने को मिल जाता है। तो करते हैं बैक, लेटेस्ट अप्रैल का जो इसमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेटेस्ट अपडेट है। तो यहाँ पर जो सिर्फ आपको जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं सिस्टम में, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, जो सबसे बढ़िया जो अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसमें लाइव जो है आइकन कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ पर सिस्टम में सेटिंग का आइकन जो देख सकते हो किस तरह से जो है ये गोल गोल घूम रहा है। तो फर्स्ट यूआई तो आपको यही देखने को मिलता है, सेटिंग जो कुछ अलग तरह से देखने को मिलती है। उसके बाद चलते हैं हम जेस्चर में, यहाँ पर टच स्क्रीन जेस्चर, स्वाइप जेस्चर, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे जेस्चर हैं जो आप देख सकते हो। आप समझिएगा इनका मतलब कि आपको जो है जेस्चर बनाने हैं स्क्रीन पर, तो उसी हिसाब से आप अपनी ऐप को जो है ओपन कर सकते हो या फिर कोई भी आप जिस भी तरह की चीज़ आप करना चाहो कर सकते हो। जंप टू कैमरा, तो ये ट्वाइस है, दो बार बटन दबाओगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, तो ये ओपन है ऑलरेडी। सिस्टम नेविगेशन, तो यहाँ पर जो है वही ऑप्शन है, ये आप नेविगेशन बटन चाहते हो नहीं चाहते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। अडैप्टिव प्लेबैक का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है बेसिकली। तो उसके बाद चलते हैं बैक, टाइम, बैकअप, डेवलपर ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में तो वही रेगुलर ऑप्शन है, तो आपको कोई स्पेशल या खास ऑप्शन इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर भी देख लेते हैं हम डिस्प्ले कटआउट, डिस्प्ले कटआउट देखने को मिलता है, हाइड करना चाहो तो आप हाइड कर सकते हो, अगर नो हाइड करना चाहो तो बाकी तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पर। चलिए बैक चलते हैं, यहाँ पर अपडेटर है जो कि अपडेट को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर करंट वर्जन जो है रिमी का देख सकते हो 8.6 जो लेटेस्ट अपडेट है, एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। चलते हैं थोड़ा सा बैक, और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी सेटिंग कुछ इस तरह दिखाई देती है जैसे कि वन यूआई में होती है, कुछ इस तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, बिल्कुल वन हैंड में यूज करने के लिए बनाई गई है, वो आप मैं आगे दिखाऊंगा स्क्रिप्ट लेकर। तो यहाँ पर गूगल डिजिटल बल्बिंग, तो डिजिटल बल्बिंग खैर बहुत पुराना हो चुका है, आप इसका मतलब जानते ही हैं, डिजिटल बल्बिंग बेसिकली क्या होता है, चार फोर पार्ट देखने को मिलता है, ये बेसिकली अलग से एक ऑप्शन होता है कस्टम रोम में, बहुत से कस्टम रोम में देखने को मिलता है, होगा तो इसमें भी देखने को मिलता है। जीपीयू बूस्ट, अगर सीपीयू बूस्ट, एम्बिएंट डिस्प्ले जेस्चर, तो ये वही है हैंड बैग पॉकेट पिक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं बेसिकली। यहाँ पर इस रूम में आपको सारे और हर तरह के ऑप्शन जो देखने को मिलेंगे, तो साउंड एनहांसर का ऑप्शन मिलता है, अनेबल फास्ट चार्जिंग जब भी आप जो है यूएसबी से कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर कोई जो है साउंड एनहांसर का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी तो कोई खास बड़ा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, एमबी डिस्प्ले जस्टर मिल जाता है। उसके बाद चलते हैं सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी का जो लाइव आइकन आपको जो आप इस तरह देख सकते हो, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक दोनों सपोर्ट करता है, दोनों ही फास्ट और एक्यूरेट है, तो इसको लेकर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोकेशन, प्राइवेसी, स्टोरेज यहाँ पर कुछ नहीं है। साउंड वाले सेक्शन में चलते हैं, साउंड वाला आइकन देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने जंप होकर आता है, पर्टिकुलर सिम पर पर्टिकुलर आप सेट कर सकते हो, तो ये मिल जाता है, टच साउंड, टच वाइब्रेशन का ऑप्शन जो इसमें देखने को मिल जाता है बॉटम में, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो उसके बाद चलते हैं डिस्प्ले वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ब्राइटनेस लेवल जो यहाँ पर देखने को मिल जाती है 100% है, लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, कलर सेलिब्रेट, पिक्चर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर कलर जो है आप सेट कर सकते हो कौन सा कलर, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। नाइट लाइट का ऑप्शन मिलता है, तो हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, दिन का टाइम है। स्टाइल एनवेलोपर, तो बेसिकली आप इस ऑप्शन से जो अवेयर होंगे
बट यहाँ पर कुछ थोड़ा फालतू भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फोन जो आपको काफी सारे फोन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट आइकन तो यहाँ पर बेसिकली सेम ही है। तो यहाँ पर जो आप अपने मन मुताबिक कलर जो सेट कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको ग्रेडियंट कलर। तो वेल, तो हम इसे फिलहाल स्किप कर देते हैं। चूज प्राइमरी कलर, यहाँ पर सेव, तो हम इसे रहने देते हैं फिलहाल। तो इसे फिर बनाएंगे, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्लोक, और क्लोक में जो आपको काफी सारे क्लोक जो है देखने को मिल जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने अभी सेट किया हुआ कुछ इस तरह का क्लोक, जो अभी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर। यह है मेरा क्लोक जो मैंने किया हुआ है सेट, तो आप भी कर सकते हो। तो क्लोक यहाँ पर देख सकते हो आप, मल्टीपल क्लोक है। तो यहाँ पर स्पाइडर मैन का क्लोक भी देखने को मिल रहा है यार, लीनेज ओएस वाला क्लोक। तो रहने देते हैं, मैं यही लगा लेता हूँ, ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। वाओ, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बैटरी वाले सेक्शन में। बैटरी का आइकन तो खैर काफ़ी सारे में एनिमेटेड मिल ही जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। बैटरी मैनेजर है, यहाँ पर बैटरी है। तो बैटरी बैकअप की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, मेरे डिवाइस को जो अभी 2 ईयर्स के अराउंड हो चुके हैं, और जब ये लॉन्च हुआ था मैंने तभी से परचेज किया था, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है, 2 साल में बैटरी पर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। बट अगर कंपेयर करूँ अदर रोम से, जैसे कि मैं रोम का रिव्यू करता रहता हूँ, पिक्सल एक्सपीरियंस का किया मैंने, होवेक वॉइस का किया, तो अगर उनसे कंपेयर करूँ तो उनके बराबर ही है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐप वगैरह ये सब आप कर सकते हो। तो उसके बाद आता मेन हाइलाइटेड फीचर्स, रिजरक्शन टूल्स। तो काफ़ी अलग और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, इसमें कस्टमाइजेशन तो जैसे ही होवेक वॉइस में बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती थी, तो वैसी कस्टमाइजेशन जो इसमें भी देखने को मिलती है आपको, जो मल्टीपल टाइप जो कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा, जैसे कि मेरा नोटिफिकेशन पैनल आई तो मैं स्वाइप करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो एसेंट कलर है, जैसे कि देखिए चेंज हो रहा है, अब देख रही है ये चेंज हो रहा है ना दोस्तों, तो कुछ यही बात है, तो ये अपने आप चेंज होता रहता है। तो ये RGB कलर है जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो नेक्स्ट, तो ये तो आप सेट कर ही सकते हो। उसके अलावा स्टेटस बार में क्लोक, नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क बैटरी, बैटरी बार, लोगो, सिस्टम आइकन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन इतने तरह की और इतनी सारी कस्टमाइजेशन है कि सबको यहाँ पर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि आपको हर तरह की जैसी भी आप चाहो कस्टमाइजेशन यहाँ पर मिल सकती है। वो आप पर डिपेंड है कि आप किस तरह की कस्टमाइजेशन चाहते हो। और बात करें हम होवेक वॉइस से और रिजरक्शन रिमिक्स के, और रिजरक्शन रिमिक्स के जो भी कस्टमाइजेशन का जो रिव्यू, और रिजर्वेशन रिमिक्स की कस्टमाइजेशन का रिव्यू जब ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूँ, बट आप चाहे तो इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ये कहा था, 1 UI जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मैं इसे यस करता हूँ तो क्या होता है, तो मैं इसे यस करता हूँ तो क्या देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, पहले मैंने अभी मेरा दिखाया था ना, वो यहाँ पर अब नहीं है, तो मैं दोबारा से इसे करता हूँ। इंटरफेस, डैशबोर्ड, 1 UI, तो एक एनिमेशन तो आप देख ही चुके थे। एनिमेशन स्टाइल तो यहाँ पर टेक्स्ट, ब्लिंक, जो भी आप चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, तो टेक्स्ट करते क्या होता है कुछ इस तरह से, इतना बड़ा मुझे सेटिंग आइकन दिखाई देता है। तो ये है इसमें कुछ डिफरेंट फीचर, कुछ अलग फीचर जो आप जो है ट्राई करोगे तो आपको जो है देखने खुद ब खुद देखने मिल जाएंगे, बिकॉज सारे फीचर यहाँ पर अभी 1 by 1 करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप चाहे तो इसे एक करके ट्राई कीजिए, अपडेट जो है मिल जाएगा इसका। तो इसके अलावा आप बात करते हैं, चलो कैमरा की। तो कैमरा दोस्तों इसमें कैसा, कैमरा दोस्तों इसमें बेसिक कैमरा है, होवेक वॉइस वाला कैमरा दिखाई देता है इसमें, तो अब यही कैमरा जो है देने लग गए हैं ये, तो अच्छा कैमरा है। तो ऑब्वियसली, और बात करें हम जो है गूगल कैमरे की, वो तो आप जो इसमें यूज कर ही सकते हो। तो यहाँ पर ऑडियो एफेक्ट्स का जो ऑप्शन मिल जाता है, जब भी आप जो है हेडफोन से सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो तो एनहेंस कर सकते हो अपने साउंड को, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये आप म्यूजिक सुनते वक्त, म्यूजिक लवर के लिए। तो दोस्तों, ये थी वीडियो रिजरक्शन रिमिक्स रोम को लेकर, और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है, ये रोम जो है पसंद आई होगी। आप डाउनलोड कीजिए, आपको डेफिनेटली ये रोम जो है जरूर पसंद आएगी। और बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है मैं नहीं बता सकता, बिकॉज इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा तो प्रोसेस जो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दैट्स व्हाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं, उसमें TWR पे रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 20 से 25 मिनट की
लॉन्ग प्रोसेस है, तो वहां पर जो है आपको कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।